हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर के तहत करियर स्थापित करने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, फाइनली मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जिसमें आप सभी के लिए तकरीबन 3000 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसके लिए दोस्तों मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं एवं अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो सर्वप्रथम आप सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, जहां पर दोस्तों आप सभी देख ही सकते होंगे इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी के लिए कुल मिलाकर 3000 प्लस पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियाँ इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह भर्ती मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों में जारी की गई, जहां पर आप सभी के लिए प्रत्येक राज्य देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, तो आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी के लिए भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, सागर और शहडोल के अंतर्गत यह भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप सभी के लिए 300 प्लस पद मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब रीओपन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम इस भर्ती के अंतर्गत एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, तो अब यदि सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2024 के ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि विभाग की बात करें कि किस विभाग के द्वारा इस लेटेस्ट और न्यू वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह लेटेस्ट वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप सभी के लिए अप्रेंट्स के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य फिर जिले से रहते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। जो कि दोस्तों यह भर्ती आप सभी के लिए मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत भी देखने के लिए मिल जाएगी, इसकी जॉब लोकेशन आप सभी के लिए विभिन्न जिलों के तहत देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई, यानी कि दोस्तों आप सभी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, तो यदि इसके पश्चात हम वैकेंसी डिटेल यानी कि पदों की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 3000 पदों पर रिलीज किया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के अंतर्गत कुल मिलाकर 300 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि यह भर्ती आप सभी के लिए विभिन्न जिलों के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगी, जिसकी जानकारी आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते होंगे। अब दोस्तों, यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन को पास किया हुआ है और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है आप सभी के पास, तो आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते होंगे। अब दोस्तों, यदि एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात करें, तो इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए आयु सीमा सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, यदि अब हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन 3 चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, उसके पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा। तो इन 3 चरणों के आधार पर आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सेलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों, यदि सैलरी की बात करें, तो आपके लिए इस भर्ती के अंतर्गत वेतन काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है, जो कि आप सभी के लिए पर मंथ 15000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए एप्लीकेशन फीस का भी भुगतान करना होगा, जो कि यदि आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आप सभी 800 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप सभी एससी एसटी कास्ट से आते हैं और आप सभी फीमेल हैं,
तो आप सभी 600 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके भी इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सभी PWD कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी मात्र 400 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके ही इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि इम्पोर्टेंट डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आपके लिए बता दें, 6 जून 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा चुका है और आप सभी 17 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते होंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वैकेंसी का अप्लाई करने के लिए आप सभी को नीचे दी गई इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। क्योंकि दोस्तों, यह आधिकारिक वेबसाइट आप सभी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां जाकर आप सभी सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट और न्यू वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।